हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, इन लास्ट क्लास वी डिड स्टडिंग अबाउट द वीएसपीईआर थ्योरी मीन टू से द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट क्लास में पढ़े थे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हों तो शेप कैसे चेंजेस होते। सो फर्स्ट वी सी दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आफ्टर हम देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से उस मॉलिक्यूल्स के शेप में क्या चेंजेस आते हैं ड्यू टू द रिपल्सन। सो हियर फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ए बी टू टाइप वेयर ए इज अ सेंट्रल एटम एंड बी इज अ अटैच मॉलिक्यूल। सो हियर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू because central atom is picked at is what? 2. So paired electron 2, lone pair electron 0. देखिए यदि lone pair ना हो, lone pair हो तो क्या shape में changes आते हैं? जो अभी देख रहे हैं हम लोग without lone pair. So paired electrons 2, lone pair electron 0. So that geometry is a central atom, b and b. So their shape is a linear shape. And we know that linear shapes their bond angle is 180. सो ये एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड क्वेश्चन में आते हैं दैट बेरिलियम क्लोराइड है विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको इधर क्या होगा ये भी टू टाइप मॉलिक्यूल्स दे हैव नो एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए क्लियर करते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 इनर सेल 2 आउटर सेल 2 इलेक्ट्रॉन सो दैट लेवी स्ट्रक्चर 1 एंड 2 एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। So here we can say that bond pair electron is 2, bond pair electron is 2 and lone pair electron is 0. ये कोई भी और extra electrons नहीं जो lone pair। So इस तरह से वो उनका shape क्या हो linear हो। यदि lone pair होती तो क्या हो जाता shape change हो जाता। तो इसके complete होने के बाद हम देखेंगे कि lone pair में क्या changes होते हैं। Another example mercury chloride same structure mercury outer shell 2 and chlorine. Next, AB 3 type, where central atom A and another atom 3. So, paired electron 3, lone pair electron 0, that central atom, that shape is trigonal planar. Trigonal planar. Clear? Example, beryllium, trichloride, beryllium, sorry, boron trichloride, boron trifluoride. Here, like bond angle is 120. Bond angle आपको याद करना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ये फिक्स वैल्यू होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर। सो यदि नॉर्मल हो कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ना हो तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 और सिर्फ क्या होगा इसका ट्राइगोनल प्लेन। नेक्स्ट एक फोर टाइप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 दैट सेम इज टेट्राहेड्रल। कितने हैं यहाँ पे 4 सो टेट्राहेड्रल 4 टेट्राहेड्रल से एग्जांपल CH4 कार्बन आउटर से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सो सेम इसका होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री। इन अदर एग्जांपल NH4 NH4 4 में कौन पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा तो ये 1 2 3 4 आउटर में होते हैं 5 सो दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव क्लियर। सो दैट्स आल्सो से पीस टेट्राहेड्रल। क्लियर। आगे भी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 ए बी 5 टाइप। सो नेक्स्ट वन इज ए बी 5 टाइप वेयर ए सेंट्रल एटम बी इज अ कनेक्टेड एटम। सो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 दैट सेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल मींस देखिए 1 2 3 दैट इज ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिड। पिरामिड शेप जनरली सो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टू पिरामिड शेप सो दैट सेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। PCl5 देखते हैं यहां पे क्या है। सो सेंट्रल एटम इज फास्फोरस वेलोज इज फास्फोरस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज 5 So 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ क्लोरीन 5 सो हियर 1, 2, 3 क्लियर। सो कनेक्ट दिस 3 1, 2 एंड 3
देखते हैं यहाँ पे इसका सेट क्या है, ठीक है? That's a figure. Trigonal. कौन सा सिर्फ है? Trigonal. Two chlorine अदर CaR in C. That is a pyramid shape. So that have two types of bonding. यहाँ पे देखिए दो अलग अलग क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक ही में इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे देखिए ट्राइगोनल अगर बॉन्ड एंगल आपको पढ़ने कितना होता है इसका 120 होगा. तो जैसे क्लोरीन वन एंड टू इनके बीच का जो एंगल कितना होगा 120 ट्राइगोनल का एंड पिरामिड जो सेम है इसका टोटल आप डिवाइड करेंगे कितना होता है 180. सो इसके और इसके बीच का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9. सो टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स तो होते हैं 120. अगर 3 क्लोरीन के बीच में 120 एंड 2 क्लोरीन होंगे 90 डिग्री. क्लियर? सो टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स. क्लियर? सो यहां पे 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड. सो दे हैव टू नो एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट सेट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड. नेक्स्ट वन इज AB6, दैट इज लास्ट नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ लोन पेयर 0. दैट सेट is octahedral. That shape is octahedral. Octahedral means इसको आप इस तरह से shape करेंगे. Clear? So if you have six and both two sides, octahedral shape. Central electron sulfur. You know is there sulfur and outer shell of electron 6. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर? नंबर ऑफ क्लोरीन 6. क्लोरीन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. यदि लोन पेयर हो तो सेप चेंज होता है. क्लियर? यहाँ पर देखिए नो एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे. अब हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट विल बी चेंज ऑन द सेप. अब इसी टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो प्रेजेंट. सो नेक्स्ट दैट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिनके सेंट्रल एटम जो क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सो फर्स्ट देखते हैं AB2. इससे पहले भी देखते हैं AB2 टाइप इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अलग से कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1. एग्जाम्पल AB2 टाइप एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अदर एग्जाम्पल इज सल्फर डाई ऑक्साइड. क्लियर? सो सेंट्रल एटम सल्फर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सल्फर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हियर एंड ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको ओनली फोकस करना है किसके ऊपर, सेंट्रल एटम्स के ऊपर. सेंट्रल एटम इज सल्फर. सो मेक अ बॉन्ड दैट मेक डबल बॉन्ड एंड आल्सो मेक डबल बॉन्ड. यहां पे देखिए पेयर्ड है कितने हैं 1, 2 दैट इज पेयर्ड. नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 इट इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 6. क्लियर? 1 लोन पेयर. सो वन लोन पेयर दैट साइज विल बी, देखिए एक्चुअल में ए बी टू टाइप का शेप होना था लीनियर. तो से सल्फर का शेप होना था SONO. दैट विल बी स्ट्रक्चर. बट एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंड. इसका शेप क्या होगा यहाँ पे SONO.
What the reason? Because lone pair of electron is lone pair applied a force. Lone pair क्या करते हैं? यहाँ पे जो lone pair है, उसके ऊपर क्या लगाएगा? Force लगाएगा. Repulsive force. So repulsive force change the side shape. इसका actual shape था, उससे क्या हो जाएगा? Bend हो जाएगा. So that shape is a bent shape. Clear? That shape is a bent. That shape is bent shape. Is that clear? So the presence of lone pair change the shape of molecules. That is a VSPER theory. यदि lone pair present हो तो वो shape को क्या कर देते हैं? Change कर देते हैं. चलिए next देखते हैं. So next is a AB3E types. That is a AB3 types. But is a lone pair of electrons. So here number of paired electrons 3, number of lone pair 1. So central electron, paired electrons 1, 2, 3, even 1 lone pair electrons. Here example NH3 central electron nitrogen. So 1, 2, 3, 4, 5. Number of hydrogen 3. So distribute 1, 2, 3. Clear? 1, 2, 3. So here that lone pair of electron gain the shape. Lone pair of electron bend the shape. Actually इसका shape होना था यदि आप देखें. So AB3 type इससे पहले क्या देखे थे? AB3 type से example देख लेते हैं. Hydrogen ये था. That is also AB3 type. So AB3 type that shape is a tetrahedral. But their shape is bent. Clear? Their shape is a bent shape due to the presence of lone pair of electron. In that bond angle is 109.28 degrees, but their bond angle is 107. So the presence of lone pair of electron reduce the shape and change the bond angle. यदि lone pair present हो तो shape भी change हो जाता है. Actual में shape tetrahedral है, but shape क्या हो गया? Change हो गया. किसकी वजह से? तो lone pair of electrons. एंड बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. तो इसके रिपल्सन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलिए नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग. सो नेक्स्ट इज AB2E2 में से टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड B2 में से टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट से टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एग्जांपल H2O देयर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन एंड वी नो इज दैट ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6. सो हियर AB2E2 टाइप्स मीन टू से दैट सेम बिकम दैट इज 1 2 3 4. सो इसका सेम एक्चुअल में क्या होना? दैट सेम बिकम अ टेट्राहेड्रल. क्या से कहना इसका? टेट्राहेड्रल 1 2 3 4. बट दैट सेम विल चेंज. आप देखिए कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दैट अप्लाइड फोर्स दैट आल्सो अप्लाइड फोर्स. सो देयर बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड 105. देखिए CH4 का 109, CNH3 में 1 लोन पेयर, देयरफॉर दैट शेप इज 107 एंड हियर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज आल्सो अगेन बेंड. ये और भी ज्यादा बेंड है, इससे बॉन्ड एंगल क्या और भी कम हो गया 105. क्लियर? सो वी कैन से दैट देयर शेप इज अपोजिट बी शेप. क्लियर? इस तरह से H2O का शेप क्या होता है? ये उसका शेप होता है अपोजिट. क्लियर? वी से भी लिखते हैं अपोजिट, वी से भी लिखते हैं. सो दैट डिपेंड दैट अकॉर्डिंग टू VSPER थ्योरी बॉन्ड लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन इज हाई. आप देखिए लोन पेयर रिपल्सन हाई. सो क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाता है. सो इसका थ्योरी यही है कि यदि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर उनके नंबर से डिपेंड करते हैं, किसके? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू VSPER थ्योरी. इसके बाद हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. मतलब इसके थ्योरीज में भी कुछ
ड्रॉबैक्स थे जिसको कंप्लीट करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया था। क्लियर? सो अभी कुछ इसके और सेट्स देख लेते हैं आफ्टर देन। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो नेक्स्ट ए बी फोर ई टाइप मीन टू से फोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर दैट स्ट्रक्चर बिकम क्या होना था? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एक्चुअल में से क्या होना था? फाइव है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर सल्फर टेट्राफ्लोराइड सल्फर आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सो फोर पेयर्ड एंड वन लोन पेयर। क्लियर? सो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज द शेप। एक्चुअल में शेप होना था ट्राइगोनल बाइपिरामिड बट दैट शेप इज सीसॉ शेप। क्या होता है इसे फोर का? सीसॉ शेप। सो इसको आपको याद करना पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट ए बी टू ई टू टाइप मीन टू से थ्री पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड टू लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट शेप बिकम इसका भी सेम शेप होना था क्या? ट्राइगोनल बाय पिरामिड बट ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शेप इज चेंज्ड क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड क्लोरीन आउटर से इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वेयर ओनली थ्री टेक पार्टिसिपेट फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस लोन पेयर रिपल्सिव सो दैट शेप इज अ टी शेप। एक्चुअल में शेप होना था ट्राइगोनल बाइपिरामिड बट दैट शेप बिकम टी शेप। क्लियर? सो बी एस पी आर थ्योरी इज कंप्लीटेड। नाउ टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, थैंक यू।